नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर देश की जनता को बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। मोदी ने अपने संदेश में कहा कि अच्छा स्वास्थ्य मानव की प्रगति की नींव है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। सलमान खान को काला हिरण मामले में जमानत मिल गई है। पिछली दो रातों से जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 106 बनकर रह रहे सलमान खान आज ही जेल से बाहर आ गए। सलमान खान को 50,000 रुपए की जमानत राशि और 25,000 रुपए के निजी मुचलकों पर जमानत दी गई है। सलमान खान को सशर्त जमानत देते हुए कोर्ट ने उनसे कहा कि वे बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। भारत अमेरिका से 110 लड़ाकू विमानों को खरीदने जा रहा है। यह हाल ही के वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। ये डील करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। ये सौदा सरकार की मेक इन इंडिया पहल के साथ होगा। विमानों के इस सौदे में करीब 15% विमान तैयार हालत में खरीदे जाएंगे। वहीं करीब 85% लड़ाकू देश में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल विपक्षी दलों की तुलना सांप कुत्ते बिल्ली से की थी। अब इस बयान पर पलटवार करते हुए बीएसपी ने कहा है कि इसी तरह की भाषा के प्रयोग से यूपी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। बीएसपी मायावती ने कहा कि इस बयान से पता चलता है कि मोदी शाह के नेतृत्व में पार्टी कितने निचले स्तर पर पहुँच गयी है। यूपी में भाजपा के दलित सांसदों की पार्टी से नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। अब नगीना लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह का नरेंद्र मोदी को लिखा लेटर सामने आया है। 2 अप्रैल को भारत बंद पर सांसद ने चिट्ठी में कहा है कि कोर्ट में हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसी वजह से अदालतें हमारे खिलाफ नए नए फैसले देकर दलितों के अधिकारों को खत्म कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रेल लाइन को बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब जल्द ही काठमांडू से दिल्ली के लिए नई रेल लाइन का निर्माण कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सपा बसपा गठबंधन टूटने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि देश की जनता शिक्षित और संपन्न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले को सीधे बड़ी पीठ को भेजने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला लेंगे कि इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। SC ST एक्ट में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा को पुलिस मुख्यालय की इंटेलिजेंस शाखा ने सुनियोजित बताया है। इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग तक दी गई थी। खबर के मुताबिक हिंसा को लेकर इंटेलिजेंस शाखा ने इनपुट एकत्रित किया है। साथ ही जो लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी इस संबंध में पुलिस और इंटेलिजेंस को इससे जुड़ी जानकारी मिली है। गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कर्नाटक के चित्रदुर्ग की एक सभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आए तो उनकी सभाओं में बेरोजगार युवा कुर्सी उछाले। जिग्नेश ने PM पर युवाओं को रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने 28 अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें 21 IPS ऑफिसर और 8 बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं। राजधानी पटना के ट्रैफिक सुधारने की जिम्मेदारी PN मिश्र को दी गई है। वहीं बिहार पुलिस सेवा के PK दास को BMP 8 भेज दिया गया है। CBSE का अर्थशास्त्र का पर्चा लीक होने के मामले में हिमाचल प्रदेश में स्कूल के 3 स्टाफ सदस्यों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में दिल्ली के एक निजी स्कूल के 2 शिक्षकों और ट्यूशन देने वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 12 मई को पटना में ऐश्वर्या के साथ साथ फेरे लेंगे। बता दें कि राबड़ी देवी तेज प्रताप के साथ खुद लड़की देखने का रस्म पूरा करने गई थी। राबड़ी ने मुंह दिखाई में होने वाली बहू को महंगे तोहफे भी दिए। दोनों की सगाई 18 अप्रैल को पटना में ही होगी। उत्तर प्रदेश के SN मेडिकल कॉलेज के एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जब एक माँ का इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो बेटा हाथ में यूरिन बैग अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर खड़ा रहा। सोशल मीडिया पर इन माँ और बेटे की फोटो तेजी से वायरल हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर का शानदार परफॉर्मेंस लगातार जारी है। वेटलिफ्टर सतीश कुमार शिवलिंगम ने 77 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। सतीश के गोल्ड जीतने के साथ ही भारत की झोली में अब तक 3 गोल्ड आ गए हैं।
मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।